2026 में आएगी भारतीय रेल में क्रांति। 2026 में बुलेट ट्रेन के ट्रायल रन के साथ ही भारत का एक बड़ा सपना साकार होगा। जी हाँ, ये वक्त भारतीय रेल में किसी क्रांति से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इन दिनों हमारे देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है और हर किसी को उस वक्त का इंतजार है जब ये ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। वैसे बुलेट ट्रेन के साथ साथ एक और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिस पर भारत बड़ी तेजी से काम कर रहा है, और यकीन मानिए इस ट्रेन की खासियत ऐसी है जो आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ, सोचिए अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह तक हवाई जहाज से भी पहले पहुंच जाए, और वो भी ट्रेन से। जी हाँ, इस फ्यूचरिस्टिक ट्रेन का नाम है हाइपर लूप। तो भाई देर किस बात की, चलिए फटाफट जानते हैं रेलवे सेक्टर में भारत में होने वाले उन बड़े चेंजेस के बारे में और दुनिया भर में ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री किस तरीके से चेंज होने वाली है आने वाले वक्त में। आज को आपके इस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो में समझा देते हैं। सबसे पहले बात बुलेट ट्रेन की। वैसे बुलेट ट्रेन का नाम लेते ही हर किसी के जहन में सबसे पहले जापान का ही नाम आता है, क्योंकि बुलेट ट्रेन को दुनिया भर में फेमस तो जापान ने ही बनाया। वैसे भारत में भी बहुत समय से लोगों को बुलेट ट्रेन का इंतजार है, क्योंकि अब यहाँ भी बुलेट ट्रेन को चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इनफैक्ट सरकार की ओर से कहा भी गया है कि देश का पहला बुलेट ट्रेन साल 2026 तक शुरू भी हो जाएगा। इसके लिए अहमदाबाद से मुंबई तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिस पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से मुंबई के बीच का सफर 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। अभी इन दो शहरों के बीच बस से सफर करने पर 9 घंटे और ट्रेन से 6 घंटे का समय लगता है। वैसे क्या है भारत का ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, आइए जरा इसे डिटेल में और आसान भाषा में पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। इसके लिए 508.09 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 463 किलोमीटर 463 किलोमीटर का कॉरिडोर जमीन के ऊपर होगा और 26 किलोमीटर का कॉरिडोर टनल यानी कि जमीन के नीचे सुरंग में बनाया जाएगा। नंबर टू, ये बुलेट ट्रेनें गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली से गुजरेगी। इसमें 12 स्टेशन होंगे, इनमें से 8 स्टेशन गुजरात और 4 महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की है। नंबर थ्री, NHSRCL का अनुमान है कि ट्रेन सर्विस शुरू होने के बाद हर दिन 17,900 यात्री इसे सफर करेंगे और आधे घंटे के गैप पर हर रोज ये ट्रेन 35 ट्रिप लगाएगी। ये ट्रेन सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक सर्विस देगी। नंबर फोर, साल 2020 में जापान ने भारत में दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन की तस्वीर जारी की थी। उसमें बताया गया था कि E5 सीरीज की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ेगी। ये ट्रेन 255 मीटर लंबी होगी और इसमें 10 बोगियां होंगी। शुरुआती 24 में से 6 ट्रेनों को भारत में असेंबल किया जाएगा। नंबर पांच, आपको बता दें कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए जापान मदद कर रहा है। इसके लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से 88,000 करोड़ रुपए यानी कि 81% का कर्ज जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से मिला है। वैसे अब सवाल यह भी उठता है कि फिलहाल भारत में बुलेट ट्रेन का काम कहां तक पहुंचा है। तो रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इस हाई रेल प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लगभग 98.8% 98.8% पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 162 किलोमीटर लंबे मार्ग में पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 79.2 किलोमीटर तक के घाट का काम भी पूरा हो चुका है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के साबरमती के पैसेंजर टर्मिनल हब का काम भी लगभग पूरा होने वाला है। वहीं इसके लिए करीब 75% पिलर कास्ट भी हो चुके हैं और 150 किलोमीटर पर काम चल रहा है। साथ ही स्टेशनों को बनाए जाने का काम भी तेजी से चल रहा है। दोस्तों, यहां आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सरकार ने इसके अलावा और भी 7 रूट्स पर बुलेट ट्रेन को चलाने का प्लान बनाया है, और ये रूट्स हैं दिल्ली से वाराणसी तक 875 किलोमीटर का, दिल्ली से अहमदाबाद तक 886 किलोमीटर का, मुंबई से नागपुर तक 753 किलोमीटर का, मुंबई से हैदराबाद तक 711 किलोमीटर का, चेन्नई से मैसूर तक 435 किलोमीटर का और दिल्ली से अमृतसर तक 459 किलोमीटर तक का, और वाराणसी से हावड़ा तक 760 किलोमीटर का।
बोले ट्रेन से होने वाले फायदे के बारे में आपको बताएं तो इसका सबसे बड़ा फायदा तो समय की बचत ही है। वहीं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग की एक स्टडी बताती है कि जिन देशों में हाई स्पीड रेल सिस्टम है वहां की जीडीपी में 2.7% तक का इजाफा हुआ है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से 90,000 नौकरियां भी पैदा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में 75,00,000 टन सीमेंट और 21,00,000 टन स्टील का इस्तेमाल होगा जो भारत में ही बनेगा, यानी कि इससे भारत की इकोनॉमी में तेजी आएगी। इसके अलावा ये एनवायरमेंट के लिए भी काफी अच्छा होगा। हाई स्पीड ट्रेन से कार्बन का एमिशन भी कम होता है। रिपोर्ट्स की माने तो 600 किलोमीटर की ट्रैवलिंग में बुलेट ट्रेन से 8.1 किलो कार्बन का एमिशन होता है, जबकि इतनी दूरी की हवाई यात्रा पर 93 किलो और कार में सफर करने पर 67.4 किलो कार्बन निकलता है। सोचिए कार्बन कितना ज्यादा निकल रहा है हवाई यात्रा से और कार के सफर से। दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में हाइपर लूप ट्रेन का जिक्र किया था, जो चलिए जरा आपको इस हाइपर लूप ट्रेन के बारे में बता देते। अगर आपको लगता है कि सबसे तेज सफर करने के लिए दुनिया में हवाई जहाज ही एक ऑप्शन है तो आप गलत हैं, क्योंकि हाइपर लूप ट्रेन हवाई जहाज के कंपैरिजन में 3 गुना कम समय लेता है। जी हाँ, ये एक ऐसा पॉड है जो बेहद कम दबाव वाली ट्यूब के जरिए 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। चलिए जरा जान लेते हैं कि क्या है ये हाइपर लूप और ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है और इंडिया में इसे लेकर क्या प्लान बनाए गए हैं। दरअसल इस टेक्नोलॉजी को हाइपर लूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग एक लूप के जरिए होता है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इसके जरिए तेज रफ्तार ट्रैवल, माल ढुलाई जैसे काम काफी हाई स्पीड से होते हैं। एक कैप्सूल सी दिखने वाली छोटी हाइपर लूप ट्रेन मैग्नेट इफेक्ट के जरिए चलती है। इसकी स्पीड की बात करें तो 1000 से लेकर 1300 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पर दौड़ सकती है। क्यों रह गया ना हैरान। आपको बता दें कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में स्पेशली डिजाइन किए हुए कैप्सूल्स या पॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस कैप्सूल्स में पैसेंजर को बैठाकर या कार्गो के जरिए लोड करके जमीन से ऊंचाई पर बड़े आकार के ट्रांसपेरेंट पाइप्स पर दौड़ाया जाता है। ये पॉड्स इन पाइपों में इलेक्ट्रिक चुंबक के इफेक्ट के चलते ट्रैक से थोड़ा ऊपर उठकर चलती हैं, जिससे इसको ज्यादा स्पीड मिलती है और घर्षण कम होता है। वैसे आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने वर्जिन हाइपरलूप वन कंपनी को मुंबई से पुणे के बीच लिंक शुरू करने की परमिशन दे दी है। अभी तक के प्लान के हिसाब से मुंबई के BKC से पुणे के वाकड़ स्टेशन तक लगभग 117 किलोमीटर की दूरी है। प्लानिंग के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में हाइपरलूप वाहन की रफ्तार 496 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इस प्लान में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और इसे पूरा होने में फिलहाल 7 साल लगेंगे। दोस्तों देखा जाए तो बीते कुछ सालों में तेजस, वंदे भारत समेत कई हाई स्पीड ट्रेनें भारत में लॉन्च की गई हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन और हाइपर लूप ट्रेन की सर्विस अगर भारत में शुरू हो जाती है तो ये इंडियन रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। इस पर आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही आप ये भी जरूर बताएं कि क्या आपका इलाका भी बुलेट ट्रेन के रूट पर आता है। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर भारतीय तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि भारत में भी रेल क्रांति अब एकदम करीब है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।